बेसिकली किसने कहा कि इंडिया में इक्वालिटी है भाई? लड़कियों को प्याज मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं ना लड़कियों को प्याज है? इनको 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 चबा में घटिया सब्जी, इनको पनीर भी मिलता है ना? बिल्कुल सही मिलता है ना? हमें मिलता है? नहीं मिलता। हम क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे। कैसे वाला आंदोलन करेंगे? मेस के बाहर बैठेंगे। सही कह रहे हैं। कब बैठना है फिर? फिलहाल बज चुके हैं 9:50। मैं आप लोगों को जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या हुआ रात को। था मुझे, मतलब देखो झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को किसी का भी बर्थडे याद नहीं रहता। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मेमोराइज करना पड़ता है कि अगर बर्थडे है बर्थडे बर्थडे है तो। रात को तो अमित भाई का बर्थडे, ठीक है ना, अमित भाई को विश करते करते फिर तुषार और मानवी मैं पबजी खेल रहे थे। वो पबजी खेलते खेलते आराम से बज गए 2:30। मतलब मैं 2:30 बजे सोया हूँ, मतलब लेटने के बाद भी थोड़ी देर करवटें बदलते 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 मैं सोया हूँ 2:30 बजे। और एज यूजुअल सुबह था कॉलेज, तो फिलहाल कोई रजिस्टर देख रहा हूँ। एक रजिस्टर कर लेके गया तो वो लैब में रह गया, फिर इतना आलसी हूँ मैं कि मैं उस रजिस्टर को वापस से ऊपर से नीचे लेके आया। तो बच चुके हैं 9 या लेट हो चुका हूँ वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा, ठीक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नाश्ता करना है और 9:10 पे क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे नाबीना कर करके किसी तरह जल्दी से पहुँचना है। अब नाश्ता वाश्ता करना होगा, ठीक है। एंड बस ये अपडेट था जो मैं देना चाह रहा था आप लोगों को, ठीक है ना। खैर जैसे भी, वेलकम बैक टू द चैनल, का स्वागत है आपका आज के मेरे ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया हो, बढ़िया ही रहो बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा, सामान रख रहा हूँ इसलिए, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर 100 व्लॉग्स, तो 100 व्लॉग्स का फासला हमने बहुत अच्छे से कवर किया। बेसिकली इफ यू गैस थिंक कि यहाँ कॉलेज जाके आराम से हो जाता था, नहीं भाई बिल्कुल नहीं है। लेट हो गया, मैथ्स में हो गई भीड़। खा लो यार, अब तो नहीं खाया जाएगा, पराठे है ही नहीं। शायद मिल जाए, एक मिल जाए शायद, लेट्स ट्राई आउट लक। सर क्या बन रहा है? चाय बन रही है, वे पियोगे? व्हाइट कलर की कौन सी होती है चाय? भाई दूध डालेंगे ना बाद में इसमें, इसको दूध डालेगा, व्हाइट कलर में दूध डालेगा, पत्ती डालेंगे ना, पत्ती डालेंगे ना। चाय तो बनाएंगे यार, ये दवाई बनाएंगे। नहीं हम सीधा इसे वो करेंगे। क्या करेंगे? सीधा दूध में पत्ती डालेंगे, तो पानी नहीं डाल रहे, बिना पानी के इसी ना दूध डाली चाहिए, पत्ती डालेगी इसमें। हाँ जी सर, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, सो के उठा भाई, मैं सो रहा था सर सामने आके खड़े हुए, पर नींद नहीं आई। जब तूने आवाज लगाई थी, सागर ने लगाई थी, बोला था आवाज आई थी, कच्ची नींद में था। नहीं तन्वी भी सही में उठ जा बेटे, दोनों उठ जाओ। तूने हल्के से, तन्वी भी सो रही थी? क्या हुआ? दोनों मेरे, क्या दोनों, क्या दोनों मेरे ग्रुप में 5 लोग हैं। तू सो रहा था, तन्वी सो रही है, मैं जगी हुई हूं, और दो बाकी गए नहीं। हार्ड वर्क ब्रो, आई एम प्राउड ऑफ यू। हमारे ग्रुप में 3 लड़के, 2 लड़कियाँ, जिनमें से सिर्फ 3 लड़के काम करते हैं, लड़कियाँ बड़ी सिस्टर दोनों बैठी रहती हैं। मेरे को नींद आ गई थी यार, रात को काम करके सोया था ना। मैस तो है फिलहाल बंद, मेरे ख्याल से खुली हुई है क्या? खाने के लिए नहीं जा सकते? अगर नहीं जा सकते तो मेरे को बाहर जाना था, कुछ काम था, थोड़े से बैंक में पैसे वगैरह डिपॉजिट करने थे। अगर मैस खुली होगी तो मैस में खा लेंगे, फिर कराएंगे काम। ठंडा क्या, नीचे उसमें घुस जाएगा तब ठंडक आएगी फिर यार, और क्यों ठंडक? हाँ भाई यार भाई, यही करना पड़ता है मेरे को, ऐसी आदत हो रखी है। एक बार तो पता क्या हुआ, यहाँ से हॉस्टल का मस्त शूट करा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, जाके पता चला कि रिकॉर्डिंग बंद है। तो फिलहाल ना मुझे लगा कि 11:30 बजे मैं स्कूल जाएगी, मतलब छुट्टी, मतलब क्या कहूँ यार, कैसे होता है वो, पीरियड ओवर हो गया, ठीक है ना। पर फिर बताया इन्होंने, सर ने जल्दी छोड़ दिया। बाइक को देखने का, ये सीटी वो 100 नई वाली है? नहीं पुराने वाली है, पर फ्रेम तो इसका नया जैसा है, क्योंकि ये भी लगा हुआ है इस पर, क्या कहते हैं, कार्ड। मेटल का है, फाइबर मेटल है भाई। जब मेरे पास बजट तय नहीं हो पा रहा था, मैंने ये बाइक भी अपने लिस्ट में रखी थी। खैर अभी तो देखो, जो भी डिसीजन आएगा, जो भी होगा, वो आप लोगों को पता चल ही जाना है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ हॉस्टल अपना, ठीक है, मज़े से आराम करेंगे थोड़ी देर। शेट, ये उतार दूँगा, चेंज करूँगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, सहा नहीं आ रहा इतना। चल के रूम को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, मतलब सब फैला फूला। फिलहाल करते हैं इसे बंद, इसे करते हैं पहले थोड़ा सा इधर, इतने तो हवा रेगुलेट होती रहेगी ना।
हाँ अब गेट बंद हो सकता है, अब ताला और उसकी चाबी एक साथ ही होगी जहाँ भी होगा वो देखता हूँ कहाँ है। ये मिल गई, हाँ मिल गई मिल गई मिल गई। मैंने बस एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, रुको रुको सबर करो, बैग बंद हो जाए। हाँ बंद हो जाए। तो फिलहाल मैंने सौरभ जोशी जो व्लॉग्स हैं उनका वो गाना सुना, आज रिलीज़ होता था मौजा, ठीक है ना। तो मैंने वो गाना सुना एंड ऑनेस्ट रिव्यू बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ से, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। जब मैं उनका वो गाना सुना, मेरी एक्सपेक्टेशन की देखो, जैसे हमने अमित भड़ांसर का परिचय सुना था एंड मुंबई का निकल सर का भाई तेरा मुंबई का सुना था, या कहो कि जट प्रदोष सर का जो आया था हंसी मंजिल कुछ था उनका भी गाना, वो भी सुना था मैंने, जिन्होंने अपने अपनी Z800 के साथ ही जो उनकी बाइक थी उनका साथ उसका थंबनेल था। मेरे को कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि यार ये जो सॉन्ग होने वाला है ना ये कुछ तड़कता भड़कता होने वाला है, पर ये थोड़ा सा रोमांटिक निकला। मतलब ऐसा नहीं है कि सॉन्ग बेकार है या मैं इसको कुछ ऐसा क्रिटिसाइज़ करूँ, नहीं सॉन्ग मतलब लिरिक्स या तो क्या हो कि मैं रिलेट नहीं कर पा रहा, पर देखो यार एक बंदा जो था वो बिल्कुल नीचे से उठ के 7 मिलियन 8 मिलियन एंड ऑलमोस्ट ही इज़ गोइंग टू कम्प्लीट हिज 10 मिलियन टिल द, मतलब दिवाली तक वो कर देंगे मुझे पता है आराम से, ठीक है ना। लेकिन अपने की एक्सपेक्टेशन से ऐसी थी ना कि यार थोड़ा तो तड़कता भड़कता यार कोई स्ट्रगल से रिलेटेड या हाँ ऐसा सुन के जो कि मोटिवेशन है, पर ये रोमांटिक सॉन्ग था एंड रोमांटिक में भी मैं लिरिक्स रिलेट नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं सॉन्ग बेकार है, नहीं यार मैं ऐसे किसी को नहीं बोलने का अधिकार नहीं कि सॉन्ग बेकार है, अच्छा है आप जाके सुन सकते हैं। बेसिकली किसने कहा कि इंडिया में इक्वालिटी है भाई, लड़कियों को प्याज मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं ना लड़कियों को प्याज हैं, इनको 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 चबा में घटिया सब्जी, इनको पनीर भी मिलता है ना, बिल्कुल सही मिलता है ना, हमें मिलता है नहीं मिलता। हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, कैसे वाला आंदोलन करेंगे, मेस के बाहर बैठेंगे, सही कह रहे हैं, कब बैठना है फिर। फाइनली भाई क्लासेस वगैरह सब ओवर हो गई, इस वाले की भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल कम्प्लीट, मतलब इस हफ्ते जितना भी होने वाला है बिजी रहने वाला हूँ पूरा प्रैक्टिकल फाइलों में, और वाइवा होना है अगले हफ्ते। तो हाँ फिलहाल मिलते हैं चाय, अब कंपैरिजन करना है चाय पीना है दूध, पर मैं दूध ही पीऊँगा भाई, चाय नहीं, नो चाय ओनली दूध। वहाँ पे चल रहा है उन लोगों का मैच, ठीक है ना। अब देखो भाई मैं मैच वाला बंदा नहीं हूँ, ठीक है, मैंने बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी थी कर ली, मतलब कर ली बॉलिंग, ठीक है ना, मैं नहीं खेलता क्रिकेट। तो अपन लगा रहे राउंड, थोड़ी सी जॉगिंग एंड फिर जिम, वहाँ पे शरीर तोड़ेंगे आज, ठीक है ना। अभी तो मैं मिक्स पे ही फोकस कर रहा हूँ, इस वीक और मिक्स करनी है, नेक्स्ट वीक से अपन फ्लैट कर देंगे मामला। काम ज़रूर करूँगा, एक अच्छा सा टाइम लैप्स लेके रखूँगा अपने पास इसका, किसका, सनसेट का। अब रुक जाओ, तो फ़ोन ट्रांसफ़र करना था ना साथ में, फ़िलहाल एक्सरसाइज वगैरह सब हो गई, हम निकलना है जिम के लिए, दो दो एक्सरसाइज, वाह हाँ अच्छा दर्द हो रहा है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, पर पता ऐसा तो मन कर रहा है लेट जाओ जाके, हिम्मत नहीं हो रही, पर वी विल पुश आवर सेल्फ, मिक्स मार के साइड लिए और प्लैंक्स करके आ जाएंगे, पर आएंगे करेंगे जरूर, थोड़ा करो पर करो जरूर, यही होता है भाई। जस्ट 5 मिनट आगे बैठा था, बस 5 मिनट भी नहीं 5 सेकंड आगे बैठा, फिर याद आ गया, फिर थोड़ा सा ब्लॉक कर लेते हैं भाई साहब, क्या ही पसीने, ओहो इसमें इस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ और कुछ भी नहीं होती भाई, वाह अपनी बॉडी में से पसीने निकालते हो, सच बता रहा हूँ। आज क्या मुझे भैया ने बोला था कि तो अपनी साइड पर फोकस कर,
तो बेसिकली मैं बताता हूँ आप लोगों को, आई एम फोकसिंग ऑन दिस पार्ट क्योंकि पेट का फैट कट जाएगा मेरा, मुझे पता है आसानी से, मैंने पहले भी काटा अब भी काट दूंगा, पर ये एक फैट मेरा आज तक नहीं कटा, ये ऐसा कैसे गया, इसे कम करना इज़ अ चैलेंज सच में मेरे लिए तो है। और भैया ने दो एक्सरसाइज बताई भाई, फट गई सच बता रहा हूँ। तो भाई एक्सरसाइज वगैरह बहुत मस्त हुई, और मैंने आज बाइसेप्स और चेस्ट पे इतना प्रेशर नहीं डाला क्योंकि साइड पे थोड़ा अच्छा खासा प्रेशर था। फिलहाल खाने जाऊँगा खाना, अब यार एक्चुअली ना रेड वाली पहन लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे कहते हैं कि हाफ स्लीव की मत पहन के आएगा, अच्छे नहीं लगते बेटा, प्यार से बोलते हैं इसलिए मान लेते हैं, कोई चढ़ के दिखाया तो हम उसके ऊपर डबल चढ़ जाते हैं भाई, मैं हकीकत बता रहा हूँ, पर अपन प्यार से वो बोलते हैं तो अपन मानते हैं। ठीक है तो खाना खाते हैं, बस खाना खाते हैं फिर आके थोड़ा सा रूम वगैरह गंदा हो रहा है, नहाना धोना है, एंड फाइनली आज कल क्लास ऑनलाइन है, मैं पबजी खेलूंगा आज का, पबजी खेलूंगा और काम करूंगा। यो 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 यो, तो फाइनली सारा काम हो गया, नहा लिया धो लिया, ये अपना कूलर सेट कर लिया है, एडिटिंग स्टार्ट ही करने जा रहा था, पर आप मानोगे नहीं इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, बहुत थकान हो गया भाई, बहुत। नेक्स्ट लेवल नींद आ रही है, आप अगर कोई आंखों से समझ सकता है कि यहाँ नींद कैसी दिखती है आने में, तो ऐसी दिखती है। फिलहाल आज का ब्लॉग बस यहीं देखते हैं, आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।